जाने इतनी देर क्यों लगा दी। डार्लिंग, अरे भाई दरवाजा खोलो ना। ओहो खोलो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे भाई खोलो भी। डार्लिंग सॉरी फॉर द डिले डार्लिंग। सर, उसी बेरहम आदमी ने इस शहर में यह 10वां खून किया है और हमेशा की तरह वो खतरनाक आदमी इस बार भी बच के निकल गया है। न कहीं पांव के निशान है और न कहीं उंगलियों के। आई नो खन्ना, आई नो, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर माथुर को बुलाया है। आओ इंस्पेक्टर माथुर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर आर के माथुर। वो देखो माथुर, इस केस की फाइल भी मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि जिस किसी मुजरिम की फाइल तुम्हारे हाथ आई है उस मुजरिम का अगला जुर्म तुम्हारी हथकड़ी पे खत्म हुआ है। सर, इस खूनी भेड़िए की गिरफ्तारी का ऐसा जाल बिछाऊंगा कि जल्द ही ये एक जख्मी परिंदे की तरह कानून के पिंजरे में तड़पता हुआ नजर आएगा। क्या है इसमें? उन लाशों की तस्वीरें जिनका आपने कत्ल किया है। एक खबर और भी है सर। वो क्या? आनंद नाम का एक पेंटर आपके लिए खास तौर से दिल्ली से आ रहा है। मतलब? मतलब ये कि जिन लोगों ने एक आध बार आपकी झलक देखी हो उनके बयान के मुताबिक वो आपकी तस्वीर बनाएगा। ओ सर, आपको याद होगा इसी पेंटर ने पहले भी कई मुजरमों की तस्वीरें बनाई और उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। मुझे डर है कहीं इस बार उसने आपकी तस्वीर बना दी तो। ख्याल रखना टॉनी। यस सर। कलाकार आनंद, अब तुम्हारे आनंद से जीने के दिन खत्म हो गए। माथुर तू? हाँ, इंस्पेक्टर आर के माथुर, जो अपने दिमागी जाल में तुम जैसे मुजरमों को चूहे की तरह फांस लेता है। बहुत दर्द हो रहा है, हैं? बहुत दर्द हो रहा है, हमें भी हो रहा है, हमारे भाई सांघा की गिरफ्तारी का दर्द। उसको तुमने फांसी की सड़क दिखा दी आ? और खुद यहाँ चले आए ये जानते हुए भी कि हम अपनी सासों से ज्यादा उसकी परछाई को प्यार करते हैं। जगाओ साहब। बोलो बोलो। इंस्पेक्टर बासुद ने मुझे गोलियां चलाने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हें गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला आ? नहीं मिला होगा मौका, अब हम देंगे तुम्हें मौका। लो लो चलाओ चलाओ इस दिल पर गोली। जगावर साहब, मैं आपको कैसे मार सकता हूं? और हम अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और अगर जिंदा रहे तो तुम्हें जिंदा देख नहीं सकते, इसलिए ये पिस्तौल लो और चलाओ हम पर गोली। चलाओ चलाओ।
मार, मार! बेवकूफ, बेवकूफ हमारे भाई को छोड़कर पीछे दौड़ाया, इसलिए हमने भी आगे से गोलियां चलने वाली पिस्तौल के बजाय पीछे से गोलियां चलने वाली पिस्तौल इसके हाथ में थमा दी। बेवकूफ कहीं का। आपको पता है आपके बेटे ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। वो क्या? कल इसने अपने जन्मदिन पर सारे दोस्तों को बुला लिया है। लो, और क्या दुश्मनों को बुलाता? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, इस दफा भी हम तेरा बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाएंगे, इतना बड़ा केक बनाएंगे। मारूंगी पकड़ के। यस इंस्पेक्टर माथुर। मैं अभी आता हूं। मुझे यकीन है इस बर्फ ने तेरे दिमाग की गर्मी को ठंडा कर दिया होगा। इंस्पेक्टर। मैं जानता हूं उन मासूमों का खून भी तूने ही किया है जो बेचारे अपनी सुहाग रात भी ना मना सके। बता उनका माल तूने कहां छुपा रखा है? मेरी जुबान खुलवाने की तेरी तमन्ना तेरे साथ ही मर जाएगी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर माथुर लोहे का बना है, तेरी जुबान खुलवाने से पहले वो नहीं मरेगा। अरे बेटा शंकर, ओ शारदा, सॉरी भाई जरा आने में देर हो गई, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि घर में अंधेरा करके बैठ जाओ। कौन है आप? जगावर, सांगा का भाई। यहाँ किस लिए आए हो? ये बताने कि तुम्हारी बीवी और बच्चे इस घर में नहीं, मेरी कैद में हैं। ये देखो। इतने बहादुर इंस्पेक्टर के चेहरे पर ये पसीना। बोल, मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है? अगर मैं 9 बजे तक घर नहीं पहुंचाना तो तुम्हारी बीवी और बच्चा मार दिए जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अब तू मेरे भाई सांगा को अदालत में पेश नहीं करेगा, बल्कि खुद मेरे पास लेकर आएगा।
अब तक तो इंस्पेक्टर माथुर जलकर राख हो गया होगा। बोल, जगावर कहाँ? मुझे नहीं मालूम। बोल, मुझे नहीं बोल, जगावर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, जगावर कहाँ है? नहीं मालूम। बोल, 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 जगावर कहाँ है? मुझे भी नहीं मालूम। बताता हूँ, बताता हूँ, वो बॉम्बे गए हैं। मुझे कोई काम दीजिए, मेरा बच्चा भूखा है। अरे भूखा है तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ मेरा, कहीं और जाकर काम ढूंढो। मेरी ओ, न जाने कहाँ से चले आते हैं भीख मंगे। ले लो जाओ। भाई साहब, मुझे भीख नहीं, मुझे इज्जत की रोटी चाहिए। मेरा बच्चा भूखा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ करो मुझे। दो दिन खाना नहीं मिले तो क्या मर जाएगा तू? माँ मुझे भूख लगी है। भीख के पैसे से भूख नहीं मिटाते। अब मैं कभी खाना नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। हाँ बेटे, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। मेरे लाल, ये रहे आपके मंगलसूत्र के पैसे और ये रही आपकी गिरवी की रसीद। भाई साहब, देर हो जाए तो इसे बेचेगा नहीं। नहीं नहीं, हम क्यों बेचेंगे? जितना समय बढ़ेगा उतना ब्याज बढ़ेगा बहन जी। हमारे यहाँ तो बाप दादा के जमाने से जेवरात गिरवी पड़े हुए हैं। चल बेटा। बहन जी, जी जब आप ये मंगलसूत्र लेने आए तो रसीद जरूर ले आइएगा। अच्छा ठीक है, ये रख। सर, इंस्पेक्टर माथुर बॉम्बे आ गया है, उसने चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी है और आपकी तस्वीर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब जगह लगा दी है। अब मुझे लगता है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। बेवकूफ, इसीलिए तो हमने अपने चेहरे पर नया चेहरा लगाया है। माथुर हमें नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर माथुर, तुम्हें जगावर की तलाश है ना? तुम कौन बोल रहे हो? जगावर तुम्हारे डर से आज ही ये शहर छोड़कर पुणे जा रहा है। और हाँ, उसके कार का नंबर है MMF 783। तूने मेरे बीवी बच्चे को जिंदा जला डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल। माथुर, तुझे फोन करके इस सुनसान जगह पर मैंने ही बुलाया है ताकि तुझे भी तेरे बीवी बच्चे के पास। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरी गलती हो गई, मुझे मत मारो। तुझे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। जगावर, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा।
बस दो बोतल खून बहुत हो गया शारदा बहन। मैं पिछले कई रोज से देख रहा हूं कि तुम अपना खून बेच बेच कर अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही हो। तुम आखिर कोई और काम क्यों नहीं कर लेती? क्या काम करूं डॉक्टर, इज्जत बेचू? इज्जत बेचने से तो अच्छा है खून बेचना, और फिर जिसके लिए खून बेच रही हूं ना वो भी तो अपना ही खून है। मैं सब समझता हूं बहन, लेकिन अब तुम्हारे लिए एक बूंद खून बेचना भी तुम्हारी जान को खतरा पैदा कर सकता है। हर चीज की हद होती है, आखिर कब तक चलेगा ये? ये चिट ले लो और बाहर काउंटर से पैसे ले लो। डॉक्टर धवन, हमारे ब्लड बैंक में आरएच नेगेटिव का ब्लड नहीं है और 12 नंबर के पेशेंट को ब्लड की सख्त जरूरत है। ओह माय गॉड, अरे हाँ, इट्स हियर। अभी अभी जो लेडी खून देकर गई है, सेम ग्रुप तो है। टेक इट प्लीज, हरी अप। शारदा बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे नोट गिरा दिए? लो संभालो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखो। शंकर बेटी, खाना। क्या देख रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, तू खाना खा। ये ले बेटा, ले। माँ, माँ, माँ! अरे क्या हो गया? कुछ नहीं। खाली बेटा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। मौसी, तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। अच्छा। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। शंकर, बेटा, शंकर। लीला, जल्दी पानी लेके आ। जब से आई है बेचारी बोलती ही नहीं, चुप चुप रहती है। बच्चा भी अंदर पड़ा रहता है, खेलता भी नहीं। कुछ घबरना नहीं बच्ची, तू अच्छी हो जाएगी, भगवान तुझे अच्छा करेगा। पानी पी ले, पानी पी ले। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। अरे शारदा बहन, तुम? आप मेरी माँ को जानते हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छी तरह बेटा, ये अक्सर हमारे हॉस्पिटल में आया करती है। मैं फिलहाल इंजेक्शन दिया देता हूँ, तुम इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले आओ। आपके हॉस्पिटल में क्या करना आती थी? अपना खून बेचने मेरे बच्चे, ताकि अपने बेटे का पेट पाल सके। मेरी माँ खून बेचती रही? तुम्हारी माँ ने बहुत कुर्बानी की है, बहुत बड़ी कुर्बानी। माँ, तू मेरे लिए खून बेचती रही? तू तो कहते थे मैं काम पे जाती हूँ। बोल, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? बोल बोल, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेटा बेटा, अदा करो बेटा, अदा करो।
जहां तक हो सके दूसरों की भूख मिटाना और किसी की रोटी पर टाका डालने वाले को कभी नहीं छोड़ना बेटा, कभी नहीं छोड़ना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी बेटा, वादा करो बेटा, वादा करो। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। बस बेटा बस, चल आजा मेरे साथ, चल बेटा भगवान को यही नहीं, मंजूर मैं था। छोड़ के नहीं जाऊंगा। आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ। इंस्पेक्टर माथुर को जब से गोली लगी है पुलिस तो आपके पीछे ही पड़ गई है। इसीलिए मैं कहता हूं सरकार कि कुछ दिनों के लिए सोने चांदी यानी कि वो दो नंबर के धंधे को छोड़ दीजिए। मेरी बात मानिए सरकार, इस साल अनाज की फसल बहुत कम हुई है और समझदार आदमी इस मौके का फायदा उठाकर अनाज को अपने गोदाम में अपने कब्जे में कर लेता है और वक्त आने पर मुंह मांगे दाम वसूल कर लेता है। सरकार, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं लोगों की भूख को अपनी मुट्ठी में बंद कर दूं? जी हाँ सरकार। जाओ शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में जहां भी अनाज का दाना नजर आए उसे किसी भी हालात में हमारे गोदाम तक पहुंचा दो। ये देखिए सरकार, सारा अनाज आपके गोदाम में पहुंच गया है। ये चावल की बोरियां हैं और ये गेहूं की। मुनीम जी, आज का पेपर पढ़ा आपने? हमारे देश की किस्मत भी कितनी अजीब है, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा। अब इन बोरियों में सिर्फ गेहूं और चावल नहीं बल्कि नोट है नोट। मान गए आपको पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकना और अपनी जेब भरना तो कोई आपसे सीखे। आइए चलिए अरे रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी बी हैप्पी। मुनीम जी फ्रेश खाना लगवा दो और इसे बाहर फेंकवा दो। आदमी को अमीर बनना है तो गरीबों के हक की रोटी को अपनी मुट्ठी में बंद कर ले ताकि दुनिया वाले उसे उस रोटी की मुंह मांगी कीमत दे सके, क्योंकि जब से ये दुनिया बनी है इसी रोटी के चक्कर में घूम रही है। 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 200 ग्राम शक्कर, 19 रुपए 75 पैसे, ये लो 20 रुपए, ये लो 4 आने और अपना राशन का कार्ड। अगला आगे आए? आगे नहीं क्रोड़ीमल, पीछे। अरे भाई अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि राशन की हर दुकान का अनाज जेके का होता है? अरे ये सरकारी अनाज गरीबों का है। जेके ब्लैक में लेगा मैन, ब्लैक में 1 किलो के ऊपर 1 रुपया ज्यादा। है क्या कहा, ये निकान में बोल। 1 रुपया ज्यादा। सच? हाँ। सारा अनाज ट्रक में भर लो जल्दी। अरे भाइयों राशन खत्म हो गया, जाओ अपने अपने घर को। धक्का क्यों मारते हो? 3 आदमियों का राशन देते ही राशन खत्म हो गया। अरे भैया मुझसे क्यों पूछते हो, सरकार से पूछो। मेरे घर में खाने से एक दाना भी नहीं है राशन का। देखो लाला, हर बार ऐसा ही होता है। भूख से बिलखते हुए गरीबों की आवाज हूं मैं, जो हाथ
इन अनाज के दानों को गरीबों के पेट से छीनकर रुपयों की शक्ल में अपनी जेबें भर लेते हैं, वो हाथ मैं काट देता हूं। यह अनाज नहीं बल्कि गरीबों की जिंदगी की सांसें हैं, और जो इनकी सांसों पर डाका डालता है मैं उनकी सांसें मिटा देता हूं। अरे तू अपनी सांसों की फिक्र कर। देख, तुम्हारे पापों की वजह से यह तराजू भी डगमगा रहा है। अब इसी कांटे से मैं तुम्हारे पापों का हिसाब करूंगा। वजह से गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता बल्कि उनके पेट में भूख की आग जलती है। बताऊंगा तो मुझे मार डालेंगे। और अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बोल। बताता हूं। जेके वो सारा सामान ले जाता है। जेके से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन इससे पहले तू इनका हक इन्हें दे दे। आओ भाई, अपना अपना राशन ले जाओ। आओ भाइयों, अपना अपना राशन ले जाओ। आओ भाइयों, अपना अपना राशन ले जाओ। राशन बहुत पड़े। लाइन में लग जाओ भाई, लाइन में लग जाओ। मुझे भूख लगी, मुझे पैसे दो भाई साहब, मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो बहन जी, मुझे पैसे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, पैसे दो भगवान के लिए, मुझे पैसे दो। किसके सामने हाथ फैला रहा है? दुनिया के इस शोर शराबे में तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। ये साले खुद पैसे के भूखे हैं, तेरी भूख क्या समझेंगे? तेरी भूख तो वही समझ सकता है जिसे भूख का एहसास हो। मेरे साथ चल, खाना भी मिलेगा और काम भी। आ। नमस्ते, नमस्ते। देखो बेटे, जिस तरह ये बच्चे लोग काम करके अपनी किस्मत बना रहे हैं, अगर तुम चाहो तो इन हाथों से अपनी किस्मत बना सकते हो। अरे शंकर बेटे, एक और बेसहारा बच्चे को इस छत के सहारे ले आए। मैनेजर साहब, इस दुनिया की छत के नीचे तो सभी बेसहारे हैं। अब इसे भी पढ़ा लिखा कर कोई अच्छा काम सिखा दीजिए, ताकि ये भी बहुत भूख लगी है। अरे बहुत भूख लगी है, आओ मेरे साथ आओ। आजा शंकर भैया, देखिए मैंने कैसा बनाया है। वेरी गुड। अगर इसी तरह काम करते रहोगे तो इज्जत से अपना पेट भर पाओगे। शंकर भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी आपकी तरह गरीबों का पेट भरता रहूंगा। अगर तेरी तरह सभी ऐसा सोचते रहना तो दुनिया की किताबों से भूख नाम का ये शब्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। महामंत्री श्री गोवर्धन दास जी के बारे में अचानक मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया। हां, अगर पहले से कहा होता तो किसी से अच्छा भाषण लिखवा के ले आता। ऐसे महान नेता की
मुझ जैसे तुच्छ नेता के हाथों जो उद्घाटन करवाया है, वाकई मुझे भी लगता है कि मेरी भी कुछ इज्जत बन गई है, और मुझे जो इज्जत दी है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। इज्जत पैसे की होती है, इज्जत दौलत की होती है, और इज्जत सबकी होती है। इज्जत नेता की होती है और इज्जत गुंडों की भी होती है। क्यों जेके जी? जेके साहब ने मुझे यहाँ बुलाकर जो इज्जत दी है उसकी मैं इज्जत करता हूँ, और आप लोगों से विनती करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग मुझे इज्जत से वोट दें, क्योंकि मैं आपके एरिया में से जीत जाऊंगा तो वो आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी तो मेरी इज्जत होगी, मेरी इज्जत होगी तो गली की इज्जत होगी, और गली की इज्जत होगी तो सारे शहर की इज्जत होगी, और शहर की इज्जत होगी तो सारे देश की इज्जत होगी, और देश की इज्जत होगी तो आप सबकी इज्जत होगी। इसलिए कहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए जय इज्जत, जय इज्जत, जय इज्जत, जय इज्जत। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने उस मंत्री को खुश करने के लिए नेता का पुतला परदेश से मंगवाया, और वो भी 5 लाख का? बेवकूफ, वो पुतला 5 लाख का नहीं, 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का। सर मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम्हें याद होगा आज से 2 महीने पहले हमने जो अनाज चोरी से इस मुल्क से बाहर भिजवाया था जी, उसके बदले 2 करोड़ का सोना और हीरे उस नेता के पुतले में हमने मंगवाए हैं। ओह, तुम्हें आज ही रात वो अपने नेता का असली पुतला हमारे ठिकाने पे पहुंचाना होगा, और उसकी जगह नकली पुतला रखना होगा। नमस्ते, नमस्ते महामंत्री गोवर्धन दास जी, नमस्ते। नमस्कार। अरे हमने जो कहा था वही हुआ, तुम लोगों को हमारे अकल की तारीफ करनी चाहिए। वाह जेके साहब, आप तो सचमुच महान हैं। और आप तो अकलमंदी की चट्टान हैं। आप तो चला की कतुफान हैं। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच बाप। अब मैं मंत्री जी के कान में उंगली डालूंगा और माल बाहर आ जाएगा। Shut up! सर, सिंगापुर से करोड़ों रुपए का ये तोहफा मंगाया आपने। बेवकूफ, पता करो कि किस कुत्ते ने हमारे माल की जगह ये कुत्ता रखा है। जाओ। ओके सर। पता करो। मान गए शंकर, लगता है तुम्हारा बॉडी में मटन का नहीं लोखंड का दिल है। लोखंड की बात छोड़ो रॉकी, सोने और हीरों की बात करो। ये देखो, शांत शांत शांत,
चोट तो नहीं आई बेटे? शंकर भैया मैं कभी चल सकूंगा? अरे चल क्या बेटे, तुम तो दौड़ोगे। डॉक्टर ने कहा है एक बार ऑपरेशन हो जाएगा तुम एकदम ठीक हो जाओगे। तब तक बेटे तुम इसके सहारे चलोगे, संभाल के। देखिए ना कितने खुश हैं। हाँ। अरे हाँ ये लीजिए 10,000 रुपए अनाथला के खर्च के लिए, और गाड़ी में खिलौने के साथ कुछ कपड़े हैं इन्हें बांट दीजिएगा। अच्छा शंकर भैया इसने मेरी गेंद छीन ली। नहीं शंकर भैया पहले इसने मेरी बैट। अच्छा 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 भाई झगड़ा मत करो, ये गेंद ले लो ये बैट तुम ले लो, हो गया। अरे ये पानी किसने गिराया? बिजली दीदी आई थी हम लोगों को नारियल पानी पिला के चली गई। बिजली आई थी क्या? हाँ सब बच्चों को नारियल पानी पिला कर गई है, नारियल खत्म हो गए थे और लेने गई है। अरे बाप रे मर गया, आज तो फिर किसी का गला खट। क्या रे शर्म नहीं आती तुझे, सबके सामने लिपस्टिक की तरह चिपक गई। अबे ओए तुम लोगों ने वाले मियां बीवी का नोक क्यों क्या देखता है? जाते हो कि नहीं? ए ए तू कहां जा रहा है रे? अब तो सब चले गए, बिजली करण पारती है क्या? आइंदा अगर तूने ऐसी हरकत की ना तो मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा। कहो डिसोजा क्या खबर लाए हो? जीके साहब आज मैं आपके पास में एक ऐसे आदमी को लेकर आया हूँ जो हीरे और सोने के बिस्किट बाजार से कम दाम में बेच रहा है। अरे वाह आज के जमाने में खाने के बिस्किट महंगे होते जा रहे हैं और सोने के सस्ते। ठीक है कोई बात नहीं, बोलो। ये माल तुम्हें कहां से मिला? जेके साहब आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि ये माल मुझे कहां से मिला। आपको माल लेना है तो लीजिए वरना मैं चला। बेवकूफ मेरा माल चुरा के मुझे ही बेच रहा है। ये देख ये लिखा है ना जेके, और मैं हूँ जेके मैं, और इस माल की कीमत मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि ये माल तेरे पास कैसे आया। बोल बोल तूने चुराया है ना माल ये? नहीं 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 नहीं, बता फिर किसने चुराया है? बता दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। और नहीं बताएगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मत मारो। बता ये सोना तुझे कहां से मिला? अब बता। उसका नाम शंकर है। शंकर? शंकर आज के दिन तेरे चेहरे पर सुख भी अजीब सा होता है और दुख भी। हाँ बिजली, सुख इस बात का है कि माँ को दिया हुआ वचन निभा रहा हूं, और दुख इस बात का है कि आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मैं जानती हूँ शंकर, आज तेरी माँ की बरसी है और आज के दिन खास तौर पर तू अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाता है। हाँ ताकि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। बोतल पर हराम की बोटी खाने वालों, तूने गोली रोटी पर नहीं इन गरीबों पर चलाई है। जा भूख में जलते हुए किसी गरीब के पेट से पूछ
कि रोटी की कीमत क्या होती है। पसीना बहाने वाले किसी मजदूर से पूछ कि रोटी की कीमत क्या होती है। औलाद को जिंदा रखने के लिए अपना खून बेच देने वाली माँ से पूछ कि रोटी की कीमत क्या होती है। अरे जिंदगी दफन हो जाती जमीन में तब जाकर पैदा होती है रोटी। और हम अपनी रोटी पैदा करने के लिए जेके साहब के कहने पर तुम्हें मारने आए हैं। अरे देख से क्या हो, गरीब के पेट पर गोली चलाने वाले को छोड़ने का नहीं, तोड़ के रख दो इनको बिना को। मैंने तुम्हें शंकर को मारने के लिए भेजा था और तुम सब लोग मार खा गए। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। चुप जेके, तूने शंकर को मारने के लिए ऐसे कुत्तों को भेजा जिन्हें भौंकना तक आता नहीं तो काटेंगे क्या? एक तो तूने जेके का माल लूटा है और दूसरा मेरे आदमियों को मारा है। तेरे कुत्तों ने जिन गरीबों के मुंह से निवाला छीना है उन गरीबों की मार पड़ी है उन्हें। मेरा हाथ उठ जाता तो सब के सब इस दुनिया से मिट जाते। आइंदा अगर तूने मेरा माल लूटने की कोशिश की तो ऊपर तो तुझे मैं पहुंचाऊंगा। मैं जब तक तेरे जैसा कुत्ता गरीबों की रोटी अपनी तिजोरी में बंद करता रहेगा शंकर उसका ताला तोड़ता रहेगा। और यह बात तो भूलना नहीं। ताला? शंकर ने तो कभी अपने घर में ताला नहीं लगाया। ए बिजली, मेरे घर को ताला लगा कर तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तेरे दिल का ताला खोलने को ट्राई मारती हूँ रे, और दिल का ताला खोलने को चाबी का दिल के पास रहना बहुत जरूरी है रे। चल निकाल चाबी। जब तक तू बिजली से प्यार नहीं जताएगा ना, बिजली तुझे चाबी कभी नहीं देगी। बिजली, मैं सोच रहा था जब आसमान में बिजली कड़केगी तो तूफानी बारिश आएगी, तो बारिश की बूंदें तेरे काले बालों पर मोतियों की तरह चमकेगी और मैं उन मोतियों को अपने हाथों से चुनूंगा, तो तेरे गालों का रंग हो जाएगा गुलाबी, तेरी आंखें हो जाएगी शराबी और मेरी निकल जाएगी चाबी। अगर फिर तूने मेरे घर को ताला लगाया ना तो मैं तेरा ये हाथ तोड़ दूंगा। क्या तू हाथ तोड़ेगा? मेरा हाथ तोड़ेगा? शर्म नहीं आती? अरे जो हाथ हाथ में लेकर घूमने लायक हो तू उसको तोड़ेगा? अखा बॉम्बे के लड़के लोग अपना अपना गर्लफ्रेंड लेके सडे बनाता है, जो हो जाता है जो पार्टी घूमता है, और तू? वो लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड लेकर घूमने जाते हैं, तेरे जैसे मर्द के साथ नहीं, समझी? क्या बोला? मैं मर्द लगती हूँ? तेरा सारा डिपार्टमेंट औरत का है लेकिन स्टाइल ना एकदम मर्द का। अरे औरत तो वो होती है जिसकी आंखों में शर्म हो, माथे पर बिंदिया हो, हाथों में चूड़िया हो और पांव में पायल हो, समझी? चल हट। यह है उस मंगलसूत्र की कीमत जो आज से 20 साल पहले एक मजबूर औरत ने आपके पास गिरवी रखा था। क्या नाम था उसका? मिसेस माथुर, और मैं उनका बदनसीब बेटा हूं। शायद तुझे याद होगा आज से 20 साल पहले तू एक औरत के हाथ से पैसे छीनकर भागा था इसी जगह। उसके साथ एक बच्चा था
लेकिन उस वक्त उस बच्चे के हाथ तुझ तक ना पहुंच सके, मगर आज चल चल अंदर, इसे हॉस्पिटल ले चलो। मॉर्निंग सर। मुजरिम शंकर कौन सी सेल में है? वो सामने वाली सेल में। अरे बेटा देखना, इस दफा भी हम तेरा बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि बस इतना बड़ा केक लाएंगे, इतना बड़ा। पिताजी, रुक जा शंकर, किसके गले लगने जा रहा है तू, एक बाप के या एक पुलिस ऑफिसर के जिसने अपने कानून की खातिर अपने बीवी बच्चे की भी परवाह नहीं की? उसके सीने से लगकर पल भर की खुशी तो तुझे मिलेगी, लेकिन तेरी यही खुशी तेरे बाप की मौत का कारण बन जाएगी। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा एक चोर है, गुनहगार मुजरिम है, तो वो तुझे हमेशा के लिए बंद कर देगा। फिर तेरे मासूम बच्चों का क्या होगा? मां को दिए हुए वचन का क्या होगा? वो हमेशा खुशियों को बांटता आया है और गम को अपने सीने में दबाता आया है। आज भी तुझे खुशियों की कुर्बानी देनी होगी शंकर, खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। तुमने डिसोजा को इतना मारा कि वो अभी तक अस्पताल में बेहोश पड़ा है। उसका मर जाना ही अच्छा था, जिसकी वजह से मेरी मां की जान गई थी। तुम्हारी मां? हाँ, मेरी मां। बरसों पहले सब कुछ खत्म होने के बाद मुझे खाना खिलाने के लिए मेरी मां मंगलसूत्र गिरवी रखने गई। ये कमीना मेरी मां के हाथों से पैसे छीनकर भाग गया। मां मुझे खाना ना खिला पाई, दो दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया था साहब। उस दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया, बल्कि भूख से रोता रहा। आज अगर पुलिस वहां ना आती तो वो सलाह मेरे हाथों से आज खत्म हो जाता। हाँ, सब खत्म हो जाता। वो तो खत्म हो जाता, लेकिन खून के जुर्म में तुम फांसी पर चढ़ जाते।
परवाह नहीं कमिश्नर साहब, लेकिन जब तक जीऊंगा डिसूजा जैसे कमीने को इस धरती से मिटाता रहूंगा, ताकि फिर कभी किसी मां को उसके बेटे की रोटी की कीमत अपने खून से चुकानी ना पड़े। अगर संसार में यही होता रहा तो तलवार के बदले तलवार चलेगी और यह सारा संसार खून में डूब जाएगा, और फिर मुजरिम को मारकर तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जब आपका कानून एक भूखे को रोटी नहीं दे सकता, तो मैं भी एक रोटी छीनने वाले को उसे जीने का हक नहीं दूंगा। इसीलिए तुम इन सलाखों के पीछे बंद हो और बंद ही रहोगे। हाँ, क्या खबर लाए हो दाभोलकर? अजी, डिसूजा को अस्पताल पहुंचा दिया है और वो शंकर नाम के शेर को चूहा बना के कानून के पिंजरे में कैद कर दिया है। मतलब शंकर नाम का हमारे रास्ते का वो कंकर आखिर टूट कर बिखर ही गया। इंस्पेक्टर साहब, हमारे शंकर को जल्दी से छोड़ दो, हम गोरे से उसके जमानत के कागज लाए हैं, ये देखिए। हमको ऐसा क्या देखता है साहब, कागज देखो, कागज असली कागज है कोरट का। असली कागज कोरट का? ए छोकरी, जास्ती होशियारी नहीं, जास्ती होशियारी नहीं, चल फट, नहीं तो अंदर डाल दूंगा, चल। तू मेरे को अंदर करेगा? जाती है कि हवलदार को बुलाओ सीटी बजा के। ए, तू क्या सीटी बजाएगा रे? सीटी तो मैं बजाऊंगी, मैं, देख। ये पुलिस स्टेशन है या खेल का मैदान? खबरदार, इंस्पेक्टर दाभोलकर कहां है? दाभोलकर कहां है? मैं यहां हूं सर। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? सर, वो ये बच्चे कौन हैं? हम बताते हैं साहब, हम कौन हैं? हम सब अनाथ बच्चे हैं। बस ये समझ लीजिए कि शंकर भैया हमारे माँ बाप जैसे बिजली दीदी ने उनको चुराने के लिए कॉलेज से जमानत के कागजात लेकर आई थी, और इस नंगे इंस्पेक्टर ने उस कागजात की परवाह नहीं की और उसे फेंक दिया, और हम सब हमारे शंकर भैया को छोड़ दो। इंस्पेक्टर, शंकर को ले आओ। ओके सर। हवलदार, दरवाजा खोलो। अच्छा साहब। शंकर उठो, तुम्हारी जमानत दे दी गई है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हम सब बिजली दीदी के साथ आए। बिजली कहाँ है? वो उधर है शंकर भैया, आओ। सुनो, कुछ कहना चाहते हैं? तुम जा सकते हो। बच्चों, हमारी जमानत किसने दी? बिजली दीदी ने। तो अपनी बिजली दीदी से कहो कि हमारी जमानत देने वाले पर हम जान देते हैं।
हम सचमुच तुझ पर जान देते हैं। तुम सुना इस घर से खाली हाथ कोई वापस नहीं जाता। सोचा हम भी कुछ मांग कर देख ले। मतलब की बात करो शंकर। तुम सड़कों पर जीने वाले भूखों की रोटियों का इंतजाम करते हो और मैं तुम्हें नोटों की सड़क पर दौड़ाने आया हूं। क्या है सब? अपनी नई नई दोस्ती की मुंह दिखाई। पार्टनरशिप 50-50। इतनी मेहरबानी? हाँ, क्योंकि शंकर तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे जरूरत है तुम्हारी। शंकर तुम इन छोटी छोटी चोरियों से कितने गरीबों का पेट भर लेते हो। हमारे साथ पार्टनरशिप करो, फिर देखो कितने गरीबों का पेट भर सकते हो। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो शंकर? इन नोटों की तरफ गौर से देखो, गौर से देखो इन नोटों की तरफ। ये नोट नहीं, रोटियां है, रोटियां उन गरीबों की, उन गरीबों की जिनको पाने के लिए इंसान अपना धर्म, अपना ईमान, अपनी सच्चाई, अपनी वफादारी, यहां तक कि अपना खून तक बेच देता है। तू मेरे लिए खून बेचती रही, तू तो कहती थी मैं काम पे जाती हूं। जहां तक हो सके किसी को भूखा नहीं रखना, किसी को भूखा नहीं रखना बेटी। कहां खो गए हो? सोचने के लिए वक्त चाहिए। खैर, मैं ये नोटों से भरा बैग यहीं छोड़ जाता हूं। वैसे आज मेरा जन्मदिन भी है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुड लक। आओ शंकर आओ, हमें यकीन था कि तुम जरूर आओगे। जन्मदिन मुबारक हो। हमें तो सबसे ज्यादा खुशी अपनी दोस्ती के जन्मदिन की है। देखो ना, आज ही अपनी पार्टनरशिप हो गई और आज ही 5 करोड़ की डील हो गई। कितने तकदीर वाले हो तुम हमारे लिए, और मैं चाहता हूं कि आज ये 5 करोड़ की डील तुम्हारे ही हाथों हो। आओ, इस गाड़ी में 5 करोड़ रुपयों का सोना है और काली पहाड़ी पर मिस्टर खन्ना इस सोने का इंतजार कर रहे हैं, और ये सोना तुम लेकर जाओगे। हाँ, ये रही गाड़ी की चाबी, आज से ये गाड़ी भी तुम्हारी है। क्या सोच रहे हो? जिगर साहब, यूं तो हर दिमाग सोचता है, लेकिन जब आपका दिमाग सोचता है बहुत दूर की सोचता है। शंकर, अगर ये दिमाग दूर की ना सोचे तो तुम्हारे जैसा इंसान हमारे पास आ ही नहीं सकता। गुड लक। टाइम बॉम्ब ठीक से फिट किया था। यस सर। अब 20 मिनट के बाद नकली सोने के साथ साथ वो भी हमेशा के लिए सो जाएगा। जाओ जाओ विस्की पियो और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। जाओ, और ये फूल उसने हमारे जन्मदिन पर लाए थे, उसे उसकी लाश पर चढ़ा दो। शंकर, तुम इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे मैं कितना बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ। क्यों क्यों क्या हुआ? अरे रास्ते में जाते जाते ख्याल आया कि ये कैसा जन्मदिन मनाया आपने? हमारी नई नई दोस्ती का ना केक कटा, ना तलिया बजी, ना मुंह मीठा किया, इसलिए मैंने सोचा आपका बर्थडे मनाने के लिए केक लिया जाए। मैंने केक गाड़ी में रखा है, लाइए और अपने मुबारक हाथों से काटिए। नहीं नहीं, वो मेरा जन्मदिन तो तुम्हारे वापस आने के बाद भी मनाया जा सकता है। तुम जल्दी जाओ, वहाँ मिस्टर खन्ना तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं जगह साहब, क्या है कि वो खन्ना साहब जैसे खतरनाक आदमी के पास जाने के लिए मुझे तो डर लगता है, और जब हमारी पार्टनरशिप हो ही गई है तो जीना भी साथ में, मरना भी साथ में। बम फटने में तो सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं। ये आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खुशी के दिन अब आपके चेहरे पर पसीना पसीना अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए
आप केक निकालिए और काटिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे ज्योतिषी ने कहा है कि केक नहीं काटना जन्मदिन पर। बच्चन सिंह जरा केक निकालो। लेकिन सर मुझे भी डॉक्टर ने मना किया है कि केक को हाथ नहीं लगाना, जन्मदिन तो आपका है सर, तो आप निकालिए ना। मैं कहता हूँ केक निकालो। अरे रे 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 रे, आप लोगों के चेहरे पर इतना मातम क्यों छाया हुआ है? आज खुशी का दिन है, चलिए मेरे साथ गाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जे के, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस बस बस, अभी इस केक के ऊपर मोमबत्ती की जगह मैं एक नई चीज रखूंगा। ये बम। मिस्टर जेके, शंकर से खेलने की कोशिश नहीं करना। आइंदा मेरे खिलाफ कोई भी साजिश की तो तेरा ये खुला हुआ मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? एक फोरी भी नहीं उठाई जाती, उठाओ से। काम चोर कहीं के। अरे ओ विजू, अरे यार क्या तुम इधर गाने सुन रहे हो और उधर हमारी जान पर बनी है? क्या हुआ? अरे जेके साहब ने ऑर्डर दिया कि रात तक 20,000 गेहूं की बोरियां शिप पर लोड हो जानी चाहिए। अरे 10,000 लोड कर दी है, बाकी 10,000 लोड हो जाएंगी, फिकर नॉट। विजू, तुमको जेके साहब बुलाया है। क्या, कौन बुलाया? कितनी बोरियां भिजवा दी? सर 10,000 बोरियां भिजवा दी सर। हर हालत में आज रात तक 20,000 बोरियां शिप में लोड होनी चाहिए। लेकिन सर इतनी जल्दी मैं इतनी सारी बोरियां कहां से पैदा करूं? आखिर मैं इंसान हूं, किसान तो नहीं। मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये सर आपके तमाचे से रेडियो का स्विच ऑन हो गया था सर। सुना ना तुमने, यही गेहूं चावल और अनाज हमारे लिए सोना ही सोना है। हाँ हाँ। जाओ, हमने जो कहा है वो करो। लेकिन सर 20,000। गेट लॉस्ट। ये सर कदा कहीं का। हेलो, दाबोलकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो दाबोलकर। आपके लिए खुशखबरी है, आपका भाई सांगा कल की बजाय आज ही जेल से छूट रहा है। ओ गुड, वेरी गुड। आओ सांगा, आओ बैठो 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 बैठो। चलो ड्राइवर। भैया वो इंस्पेक्टर माथुर मरा तो नहीं? नहीं, वो आज भी हमारे सर पर मौत बनकर जी रहा है। अब नहीं जिएगा। देखो सांगा, जिस तरह हमारा बिजनेस बढ़ चुका है उसी तरह माथुर की कुर्सी भी बड़ी हो गई है। अब हमें उसके साथ गुस्से से नहीं समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अभी अभी जेल से छूटे हो, जिंदगी का मजा तो लो। आज प्रिंस गुलागुला के साथ करोड़ों की डीलिंग होने वाली है। प्रिंस गुलागुला? आइए आइए प्रिंस गुलागुला खटमलपुर आइए। हमें आपका मैसेज मिला कि आप वो अनमोल हीरे जवाहरात खरीदना चाहते हैं। लगता है आप इन चीजों के काफी शौकीन हैं। बदबू बदबू, खुशबू खुशबू खुशबू। क्या हुआ राजकुमार जी? क्या है कि जब भी राजकुमार जी कोई स्ट्रेंजर यू नो नए आदमी से मिलते हैं तो इन्हें अजीब सी बदबू आने लगती है। अच्छा अच्छा। लेकिन डोंट वरी, धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा अच्छा, इसीलिए इन्होंने ये फूलदान साथ रखा है। अच्छा अच्छा,
वैसे राजकुमार जी ये खटमलपुर कहाँ आया? अरे खटमलपुर जानत नहीं, नहीं जानत। इतनी बड़ी रियासत कानपुर जानत था का? कानपुर जानत। कानपुर का बगल में सोनपुर, सोनपुर का बगल में जौनपुर, जौनपुर का बगल में झोलपुर, झोलपुर का बगल में धौलपुर, उसके बाद पुलिसपुर, उसके बाद जेलपुर, उसके बाद गिदड़पुर, उसके बाद कुत्तापुर, कुत्तापुर बस उसके बगल में खटमलपुर। अरे भैया खटमलपुर की खटिया और हमारी चुटिया तो दुनिया में मशहूर है। बहुत मशहूर। पर ऐसी क्या खास बात है इस चुटिया में? अरे समझ लो जसन भगवान हनुमान जी की पूछ माँ है बस। अरे वो तो साक्षात भगवान है, उनकी बात तो कुछ और है। अरे वो तो राक्षसन को यम लोक पहचातन रहे, लंका की दहन करत रहे, बस समझ लो ऐसा कुछ काम करत रहे हमारी चुटिया। हाँ अगर कोई बदमाशी करे तो हमारी चुटिया यूं घूमे और पटाक। अरे 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 बाप रे, हमारी चुटिया ने तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर दी, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं। राजकुमार जी और क्या क्या गुण है इस चुटिया में? हमरी चुटिया का ना ही जवाब रे, हमरी चुटिया इसके अंदर है गुण बेहिसाब रे, हमरी चुटिया इसके अंदर है गुण बेहिसाब रे, हमरी चुटिया। शोर है भैया हमरी चुटिया कैसी, ताल में नाचे सुर में गावे चले तीर के जैसी, अच्छो अच्छो की कर दी है, अरे अच्छो अच्छो की कर दी है किसने ऐसी तैसी हमरी चुटिया। हमरी चुटिया को नानी जवाब रे, हमरी चुटिया इसके अंदर है गुण बेहिसाब रे, हमरी चुटिया। कर चोटी पर जब लो शंकर का नाम, बड़ा सरल हो जावे है मुश्किल से मुश्किल काम। अरे तो करत है पल भर मा सुन रे बबुआ, अरे तो करत है पल भर मा दुश्मन का काम तमाम, हमरी चुटिया हमरी चुटिया का नानी जवाब रे, हमरी चुटिया इसके अंदर है गुण बेहिसाब रे, हमरी चुटिया। चकई कचक दुम चकई कचक दुम टिकड़ा 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 भोलेनाथ के भक्तन की तो जान है हमरी चुटिया, सीधे सच्चे लोगन की पहचान है हमरी चुटिया, कसम है गंगा मैया की जय गंगा मैया, और कसम है गंगा मैया की ईमान है हमरी चुटिया, हमरी चुटिया जवाब दे,
हमरे चटिया 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 हमरे चटिया 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 चटिया। ये रहे आपके 10 करोड़ के हीरे जो आपकी फरमाइश की। और ये रहा आपका 10 करोड़ का चिकुबाम। थैंक यू वेरी मच प्रिंस गुला गुला ऑफ खटमालपुर। थैंक यू वेरी मच। नहीं बाबू। अरे भैया ये चेक तो कैश होगा ही नहीं। क्यों? इस पर 10 करोड़ की जगह 10 मरोड़ लिखा है। भैया ये प्रिंस गुला गुला तुम्हें निचोड़ के रख देगा। मैं उसे तोड़ के रख दूंगा। हमें फोन पे खबर मिली है तुमने एक शरीफ और इज्जतदार आदमी का माल लूटा। गलत, क्योंकि किसी शरीफ और इज्जतदार आदमी के पास माल होता ही नहीं इंस्पेक्टर साहब। वैसे किस गद्दार आदमी ने आपको फोन कर दिया? थोड़ा होशियारी नहीं, सीधी तरह से माल निकाल वरना। इंस्पेक्टर साहब तिलावत, अभी वैन से माल जब्त करके तुझे गिरफ्तार करता हूं। हवलदार तुम यही रुको, उधर तलाशी लो। ठीक तरह से देखो सीट के नीचे, उधर कहां छुपाया साले ने। डबल कर। अरे यहां क्या कर रहे हो तुम? सब ये शंकर एक नंबर का चोर आदमी है, किसी शरीफ आदमी का माल उड़ाला है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सर मैं पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आया हूं। तुम किसी बड़ी गलत फहमी का शिकार हो गए हो। जो इंसान इतने मासूम बच्चों को पाल रहा हो वो किसी का माल लूट सकता है? लेकिन सर मेरी आई से ओबे द ऑर्डर। तुम लोग भी सब पुलिस स्टेशन वापस जाओ। चलो बच्चों खाना खाते हैं। हम खाना नहीं खाएंगे, आप हमें चोरी की रोटी खिलाते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। हम आपसे हाथ भी नहीं करेंगे। ठहरो, किसने कहा कि मैं तुम लोगों को चोरी का खाना खिलाता हूँ? पुलिस ने। पुलिस वाले आपके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आपका पुलिस ने जेल में बंद क्यों किया था? रात रात भर कहाँ गायब रहते हैं आप? इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? बंद करो ये बकवास। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसे आदमी पर इल्जाम लगाते हुए? अरे भूल गए वो दिन जब तुम लोग सड़कों पर भीख मांगते थे, बिजली नंगे फिरते थे, और आज जिसका खाते हो उसी पर शक करते हो? अरे नहीं रहना यहाँ पे, तो चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमें। खबरदार जो मुंह से एक भी शब्द निकाला तो। शंकर बिजली, बच्चे पानी की तरह होते हैं, जहां आसान रास्ता देखा वहीं चल पड़ते हैं। हमारा काम इन्हें छोड़ना नहीं, इन्हें मोड़ना है। अरे तुम तो समझने की कोशिश करो बिजली। देखो बच्चों, माया ऐसा कोई काम नहीं करता जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं बस वही करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो फिर एक बार कह दीजिए आप कि चोरी नहीं करते। शंकर भैया एक बार हमारे सर पे आता कि कसम खाइए कि आप चोरी की रोटी हमें नहीं खिलाते। बेटे मैं कौन होता हूँ तुम लोगों को रोटी खिलाने वाला?
तुम लोग सब अपने अपने किस्मत से रोटी खाते हो, ये कभी सोचना भी नहीं ये कोई तुम्हें रोटी खिला रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई रहने की जगह दे रहा है, या कोई तुम्हारी किस्मत बना रहा है। नहीं, ये सब कुछ जो तुम्हें मिल रहा है ये ऊपर वाले की देन है। मैं तो सिर्फ तुम लोगों के पास वही दाने लेकर आता हूं जिन पर ऊपर वाले ने तुम लोगों का नाम लिख दिया है। शंकर भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा नाम कौन से खाने पे लिखा है? बताना शंकर भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है? ये लो, तुम्हारा नाम इस खाने पर लिखा हुआ है, लो खाओ। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों को यहां से चले जाने को कहा था ना, अब कोई नहीं जाएगा, सब यही रहेंगे। चलो हम सब मिलकर खाना खाते हैं। अरे भाई खाना लगा दो, चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ। और उसके बाद जान लेने के लिए भालू आदमी के पीछे भागा, और आदमी भालू से जान बचाने के लिए आगे आगे भागा, भालू पीछे आदमी आगे, भालू पीछे आदमी आगे। भालू आदमी के करीब आया, आदमी थोड़ा घबराया और बिना सोचे समझे पेड़ से यूं चिपक गया। अरे शंकर, ये तो क्या कर रहे, छोड़ ना, बच्चे देख रहे हैं। फिर ऐसी जगह चलना जहां कोई ना देखे। लगता है आज तो कहानी सुनाने के मूड में नहीं है, कहानी बनाने के मूड में है, पागल कहीं का। चलो बच्चों, तुम्हारा शंकर भैया कोई कहानी वानी नहीं सुनाने वाला है, चलो कहीं और चलते हैं। ठहरो बच्चों, मैं शेर नहीं हूं। हैरान हो गए, मैंने तुम्हें जानबूझकर छोड़ दिया था। पिछले 5 दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। गरीबों की अंधेरी जिंदगी में थोड़ा सा उजाला हो जाए, इसीलिए कभी कभार पाप की आग में हाथ ताप लेता हूं। वाह, तो तुम पाप को भी पुण्य समझते हो? वो पाप जिसमें सैकड़ों इंसानों की भलाई छिपी हो और किसी का नुकसान ना हो, वो पाप पाप नहीं पुण्य होता है कमिश्नर साहब। लगता है तुम्हारी रगों में जरूर किसी गंदे मां बाप का खून दौड़ रहा है। खून तो वही है साहब जो आपकी रगों में दौड़ रहा है, लाल रंग का। भगवान ने आपको इस रूप में खड़ा कर दिया और मुझे इस रूप में। अब इन रगों में बुरा खून है या अच्छा खून, ये तो वक्त ही बताएगा कमिश्नर साहब। अरेस्टिंग, सॉरी इंस्पेक्टर, आई कांट हेल्प। कमिश्नर माथुर। सर, डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद डिसूजा बच ना सका सर, ही इज डेड सर। ओ माय गॉड, मरने से पहले उसने कोई बयान दिया? वही बयान सर जो उसने पहले दिया था। मरते वक्त उसकी जबान पे एक ही नाम था सर, शंकर शंकर शंकर। आई सी। सर, उसके रिश्तेदार उसकी डेड बॉडी को गोवा ले जाना चाहते हैं सर। ठीक है, उन्हें ले जाने दो। राइट सर। तुमने डिसोजा को इतना मारा कि डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद भी वो बच ना सका, और आखिरी वक्त भी उसकी जबान पर तुम्हारा ही नाम था। डिसूजा मरा नहीं कमिश्नर साहब, वो जिंदा है। तुम ये कहना चाहते हो कि पुलिस डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है, डॉक्टर झूठे हैं? सर, मैं पाप और पुण्य के बीच रहा हूं। जुर्म के जमीन के अंदर फैली हुई काले कर्मों की एक एक जड़ को अच्छी तरह जानता हूं। सर
सिर्फ एक, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मक्कारी का बुना हुआ ये जाल सिर्फ मुझे फंसाने के लिए है। रुको, डबल कर कॉफिन खोल। सर, डिसूजा की इस लाश को आप सुना नहीं तुमने? खोला। तुम्हें ये जिंदा दिखाई देता है? इसका जवाब भी आपको मिल ही जाएगा। खोलो इसे, खोलो। आप पूछिए इससे कि मौत का नाटक करके ये सोना कहां ले जा रहा था। पूछिए इससे इसके पीछे किसका हाथ है। पूछिए। अरेस्ट हिम। डिसोजा जिंदा, इसका शंकर को कैसे पता चला? क्या कर रहे थे तुम? मुझे क्या मालूम, मैं तो तुम्हारे कहे मुताबिक 2 करोड़ का सोना डिसोजा को मुर्दा बना के गोवा भेजने ही वाला था। साला शंकर कहां से आया? शंकर को छोड़ो भैया, अब अगर डिसोजा को गोवा में ना रोका गया तो वक्त और भी खराब आ सकता है। तुम फौरन एडवर्ड को गोवा में खबर कर दो कि डिसोजा के हाथों आने वाले सोने का इंतजार ना करे और फौरन वहां से चला जाए, वरना खतरा पैदा हो सकता है, समझे? सबसे ज्यादा खतरा तो शंकर से है। उससे भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला अब डिसोजा है। नहीं नहीं सांगा, अरे डिसोजा तो हमारी वफादारी का सबसे मजबूत पुतला है। मगर कमिश्नर माथुर तो पत्थर के पुतलों से भी बुलवा लेता है। वो तो मैं था जो अपने भैया को बचाने के लिए खामोश रहा, मगर डिसोजा खामोश नहीं रहेगा। डिसोजा नहीं, डिसोजा नहीं बोलेगा, नहीं डिसोजा नहीं बोलेगा। बस कीजिए कमिश्नर साहब। तो फिर बताओ तुमने वो मरने का नाटक क्यों किया? वो सोना लेकर तुम कहां जा रहे थे? किसका है वो सोना? नहीं कमिश्नर साहब, अगर मैंने उन लोगों का नाम बताया तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। और अगर नहीं बताया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें उसका नाम बताना ही होगा डिसोजा। बताओ। मैं जेके का काम करता हूँ। जेके कौन है? जेके आज से 20 साल पहले पूना से बॉम्बे आया था। जेके का असली नाम जगावर है। मुझे प्लीज यहाँ से आजाद कर दो। अरे तू घबरा मत रे, मैं तुझे आजादी तो करने आया, तू घबरा मत। है? मैं तुझे आजाद करने आया हूँ। वाह, इंस्पेक्टर से कमिश्नर बन गए। हा? मेरी बीवी बच्चे के कातिल, बहुत ढूंढा तुझे,
लेकिन आज आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे माथुर, नहीं करोगे। क्योंकि 20 साल पहले जब तुमने मेरे भाई सांगा को जेल भिजवाया था ना, तब तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे से हाथ धोना पड़ा था। आज अगर मुझे हथकड़ी पहनाई तो ना तुम्हारी ये कमिश्नर की वर्दी रहेगी और ना आर के माथुर रहेगा। जगावर, ये वर्दी भी रहेगी और आर के माथुर भी रहेगा, लेकिन तू नहीं रहेगा। माथुर सर, ये जगावर है। शट अप! मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। सस्पेंड? लेकिन मेरा कसूर? ये वर्दी तुमसे इसलिए छीन ली गई कि तुमने डिसूजा को इतना टॉर्चर किया कि वो मर गया। अपनी जाति दुश्मनी के लिए तुमने जेके पे कातलाना हमला किया। अगर पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो तुम उसे मार डालते। माथुर, इस वर्दी की आड़ में तुमने जुर्म किया है, इसलिए तुम्हें डिसमिस किया जाता है। कोई बात नहीं आईजी साहब, कोई बात नहीं, मगर याद रखिए, माथुर मरने से पहले अपने माथे से ये कालक धो देगा। और एक बात और याद रखिए, माथुर जिंदगी की आखिरी सांस तक इन मुजरमों से लड़ता रहेगा। शारदा, जिस वर्दी की खातिर तेरे साथ सात फेरों पर खाई हुई कस्बों की परवाह नहीं की मैंने, आज कोई वर्दी मुझसे छिन गई। क्या पाया मैंने, सब कुछ खो दिया, तुम्हें खो दिया, अपने बेटे को। तुम भी मेरे गम की हंसी उड़ाने आए हो। नहीं, गम बांटने आया हूं। ये आप अंधेरे में किससे बातें कर रहे थे? अपनी पत्नी और बच्चे की तस्वीर से। कहां हैं ये लोग? परसों पहले एक ऐसा तूफान आया जिसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। लेकिन जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आप जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। समाना हो गया किसी अच्छे इंसान के पांव छुए हुए। इस दुनिया में आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूं। आइए 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 आइए, लीजिए लीजिए। ये हुआ? माय फ्रेंड जीना खोलकर। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। Excuse me, come on, darling. अरे विजू, वो नई डांसर रीटा नहीं आई अभी तक? अभी तक आई नहीं है सर वो। नाचने वाली नहीं आई?
मेरी फ्रेंड जीना नाचेगी भी और गाएगी भी। मैं नो। दोस्तों अब आपके सामने जीना खोलकर नाचेगी और गाएगी भी। Oh my God, darling, I'm nervous. Nervous? Yeah. One minute. Nervousness दूर करने के लिए ये दवा पी। Well done, हमारी जीना डार्लिंग ने अपने हुस्न के नशे से सबके होश उड़ा दिए। हमारे होश कब उड़ाओगी डार्लिंग? या नहीं, अंदर। अंदर? चलो डार्लिंग, अंदर चलते हैं। आज मुझे 36, 24, 36 सब दिखा दो डार्लिंग, प्लीज। जीना खोलकर आज, डार्लिंग, डार्लिंग, अब और इंतजार नहीं होता। Can I kiss you? Of course. गोलियां कौन चला रहा है? माथुर जी? हाँ मैं, मुझे शंकर ने फोन करके यहां बुलाया है। जी हाँ मैंने, ताकि आपके साथ साथ ये भी जान लें कि डिसूजा का खून डबल करने किया था। डबल कर बोल, असली मुजरिम कौन है? बोल डबल कर, मरने से पहले अपने पाप कम कर ले। बोल बोल डबल कर, बोल। बताता, सब बताता, सब सब बताता। डिसूजा के हाथों कॉफिन बॉक्स में जेके का सोना, वही बिछोया सब। पकड़े जाने पे डिसूजा का कत्ल, वही किया सब, ताकि डिसूजा हमारा कोई राज माथुर साहब को ना बता सके। मैं कुत्ते की तरह मुजरिमों की हड्डी खा खा कर जीता रहा। वर्दी पहनने के बावजूद भी मैंने कानून से गद्दारी की। वर्दी तो ऐसे अच्छे आदमी पर अच्छी लगती है सर, और मैंने इनकी वर्दी उतरवा दी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। माथुर, हमने तुम्हें गलत समझा, आई एम सॉरी। ऐसा ना कहिए सर। माथुर, वर्दी तुम जैसे ऑफिसर पर अच्छी लगती है, इसे वापस ले लो। लेकिन मैं जगावर को नहीं छोड़ूंगा सर। आप जल्दी मत कीजिए सर, डिसूजा को पकड़ने के बाद आपने मुझे जेल से इसी शर्त पर रिहा किया था कि डिसूजा जिन लोगों के साथ काम करता है उन सबको पकड़वा दूं। दाभोलकर से उसका जुर्म कबूल करवाना मेरी ईमानदारी का पहला सबूत था। सिर्फ जेके नहीं, उसके साथ काम करने वाले तमाम लोगों को पकड़ने में मैं आपकी मदद करूंगा। शंकर नहीं बोलेगा? शंकर कहाँ? बोल, शंकर कहाँ है? नहीं मालूम। अब बोल कहाँ है शंकर? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? तेरा शंकर किधर है? बोल। हमें छोड़ दो, नहीं रहने दो, हमें छोड़ 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 दो, हमें छोड
अब तुम बताओगे शंकर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम था। नहीं बताएगा? तू बता, बता। मुझे नहीं मालूम। कौन हो तुम लोग? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। चल क्या बेटे, तुम तो दौड़ोगे। डॉक्टर ने कहा है एक बार ऑपरेशन हो जाएगा तुम एकदम ठीक हो जाओगे। शंकर भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी आपकी तरह गरीबों का पेट भरता रहूंगा। मुझे देर हो गई, अब तो मैं श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? कौन है वो कुत्ता कमीना जिसने इन हंसते खेलते बच्चों को शमशान पहुंचा दिया? वैसे तो इनको भूख की आग में जलना ही था, अच्छा हुआ चीता की आग में जल गए। लेकिन घबराना नहीं, घबराना नहीं, मैं इनकी समाधि बनाऊंगा ताकि जेके के दुश्मनों को इस बात का पता चल जाए कि जेके के रास्ते में कांटा बिछाने वालों की मंजिल समाधि होती है। ठीक कहा ना शंकर? ठीक कहा तूने, समाधि बनेगी लेकिन इनकी नहीं, तेरी। और वो समाधि मैं बनाऊंगा, एक ऐसी समाधि जिसे देखकर हर मुजरिम को जुर्म करने से पहले उसकी मौत खाई देगी। Thank you.
तेरी चिता ऐसी जलेगी कि हर जुर्म करने वाले के लिए एक पैगाम होगा। देखो एक हाँ विजू, क्या खबर लाए हो? सर, शंकर को चारों तरफ तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला, समझ में नहीं आता वो कहाँ गायब हो गया। डोंट वरी, तुम सब मेरे साथ आओ, जल्दी चलो। और तुम सब अपने अपने पोजीशन संभाल लो। Thank you.
पिताजी बेटा। अच्छा तो तुम दोनों बाप बेटे हो। 20 साल पहले लगाई हुई आग से बच निकला ये, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। तूने मुझे 20 साल जेल में सड़ाया है, आज उसे के पल का हिसाब देना होगा। मादर सांगा। फिक्र मत कीजिए, अरे गोलियां खत्म हो गई। छोड़ दूं, तेरी वजह से बाप होते हुए भी मैं अनाथ बनकर जीता रहा। तेरी वजह से मेरी मां को खून बेचकर मेरा पेट भरना पड़ा। तूने मेरे कितने मासूम बच्चों की जिंदगी ली है और तू कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं? नहीं नहीं शंकर, सब कुछ ले ले, सब कुछ ले, लेकिन इस अनाथ को रोक ले। सोना ले, चांदी ले, लेकिन इस अनाथ को रोक ले। शंकर, इस अनाथ के दानों में गरीबों की सांसें हैं जो तूने अपने गोदाम में भर रखे हैं। तेरे मरने के बाद तेरा ऐसा एक बुत हर चौराहे पर लगाऊंगा जिसे दुनिया देखे, कांप उठे, ताकि कोई अपनी जेब भरने के लिए किसी गरीब का पेट खाली ना रखे। लेकिन मैं कहता हूं पहले भूख मिटाओ, और जब तक तू जैसा इंसान नहीं मिटेगा, ना गरीबी हटेगी और ना भूख मिटेगी। अंकल, पुलिस अंकल, अब तो हमारे शंकर भैया को जेल में नहीं ले जाएंगे ना? नहीं बेटे, अगर तुम्हारे शंकर भैया अपने अनाथालय में मुझे भी जगह दे दें, तो अपनी जिंदगी के बाकी सारे दिन तुम लोगों की सेवा में गुजार दूंगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर आप आ जाएंगे तो सिर्फ शंकर को ही नहीं, हम सबको एक बाप मिल जाएगा। बिजली ठीक कहती है पिताजी,
जख्म। चल तुझे डॉक्टर के पास। नहीं पिताजी, आपसे गले मिल लिया, सारे जख्म भर गए।